हर प्रांत में आज इस तरह की पत्रवार्ता हो रही है। मैं तो प्रार्थना करना चाहूंगा माननीय दिव्य सिंह जी से कि वे कृपा पूर्वक आपसे रूबरू हों। धन्यवाद केके मिश्रा जी। आदरणीय साथियों, देश में प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को के खिलाफ झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका उज्ज्वलंत उदाहरण है श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पूछताछ के लिए जो बुलावा भेजा गया, समझ भेजे गए हैं, ये उसका स्पष्ट प्रमाण है। इसके तथ्य हमने आपके सामने अपने वक्तव्य रखे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अनअकाउंटेड मनी को, उसको नंबर दो को नंबर एक में करना, काले धन को एक विधिवत रूप से उसको लीगल टेंडर, लीगल अकाउंट डालना। दूसरा, एक कंपनी से पैसा दूसरे कंपनी में डालना, दूसरे से तीसरे में डालना, चौथा डालना, ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया और उस केस को 2015 में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तथ्यहीन होने के नाते उसे बंद कर दिया। आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है किसी स्तर पर भी। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट लिटिगेशन लगाया पटियाला कोर्ट दिल्ली में। और उसमें अनुरोध किया कि एफआईआर दर्ज की जाए। अदालत ने समन्स इशू किए। समन्स इशू हो जाने पर उनका जवाब दिया गया, तथ्य प्रस्तुत किए गए। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी को अदालत में अपना बयान देने के लिए समन्स भेजे गए। उसको उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। अगर उनके पास तथ्य थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी के पास, तो उन्होंने उनको समन्स उनके बुलावे के आधार पर कोर्ट में पेश होना था, बयान देने थे, तथ्य प्रस्तुत करने थे, वो नहीं किए। हाई कोर्ट में स्टे लेने की आवश्यकता क्या थी? केवल दबाव की राजनीति, प्रतिशोध की भावना से झूठे प्रकरण बनाना, ये इनकी आदत बन चुकी है। और ये नेशनल हेराल्ड, जो कि आजादी की के संघर्ष में सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन,
आचार्य नरेंद्र देव, रफी अहमद किदवाई और अन्य नेताओं ने 1937 में आजादी की लड़ाई में लोगों को जागृत करने के लिए नेशनल हेराल्ड प्रारंभ किया था और उसके बाद नेशनल हेराल्ड चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जो सभी आज प्रिंट मीडिया के हालात हैं उसके कारण घाटा होता गया और काफी बड़ी तादाद में वहां के कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान नहीं हो रहा था। इसलिए उनसे चर्चा करने के बाद VRS की स्कीम लगाई गई और लगभग 67 करोड़ रुपए जो उनकी देनदारियां थी उसका पेमेंट किया गया और कांग्रेस पार्टी के फंड से उसका पेमेंट हुआ। इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई और माननीय चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है या कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसका किस प्रकार से पैसा खर्च किया जाता है, इसका कोई नियम नहीं है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, यानी कि उनकी जो प्रार्थना थी वो खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने खारिज कर दी, एक भी FIR कहीं दर्ज नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अब उसके बाद हुआ क्या कि यंग इंडिया की एक समाचार, उसकी मैगजीन चालू की गई, कंपनी शुरू की गई और उस कंपनी ने सारे शेयर्स जो थे उसका इक्विटी बढ़ा के शेयर्स लिए और शेयर्स लेने के बाद आज की परिस्थिति सी वही है। इसमें रेगुलरली कांग्रेस पार्टी को छुपाना होता तो वो अपने अकाउंट्स में बताती नहीं। ऑडिट हुआ और ऑडिट होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको स्वीकार किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्वीकार किया, कोई FIR है नहीं। फिर भी सोनिया जी और राहुल जी पर राजनीतिक दबाव डालने का ये कुटिल प्रयास है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये वो परिवार है जिसने अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका, जिस परिवार से दो दो लोगों ने देश के अखंडता एकता के लिए शहादत दी, वो ऐसे समन्स और ऐसे बुलावे से और झूठे प्रकरणों से क्या डरेगा? डरने वाले नहीं है और दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। यंग इंडिया नो प्रॉफिट कंपनी है, एक भी पैसा निजी तौर पर नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य ने आज तक ना तो एसोसिएट जर्नलिस्ट पद के से लिया ना यंग इंडिया से लिया, एक पैसा नहीं। उसके बावजूद भी इन्हें बदनाम किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और राहुल गांधी जी कल AICC से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के दफ्तर में जाएंगे और हम सब लोग जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, वो AICC में कल 9:30 बजे हम लोग एकत्रित होंगे। आज पूरे देश में माहौल डराने का, धमकाने का चला हुआ है। एक नई संस्कृति चल गई है, बुलडोजर संस्कृति, जिसका कि कहीं किसी के देश के कानून संविधान में कहीं उसका उल्लेख नहीं है, फिर भी मनमाने ढंग से जिसको चाहे उसका घर तोड़ दो, मकान तोड़ दो। ये संविधान इनके लिए
कोई मतलब नहीं रहता। शपथ लेते हैं पद की, संविधान की शपथ लेते हैं, निष्पक्षता से काम करने का जनता को वादा करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेशों में और देश में पक्षपात तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को और कुछ विशेष वर्गों के खिलाफ आज ये अभियान चलाए हुए हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहते पूछ लीजिए, लेकिन एक बात है, मैं इसी सब्जेक्ट पर प्रश्न लूंगा, दूसरे का लेना है तो बाहर चल के हम लोग टिक टैक कर सकते हैं। जमीनी लड़ाई तो आज तक लड़ते ही रहे भैया जी, हम लोग तो हम लड़ेंगे, लड़ते आए, लड़ेंगे भी। बात यह है कि अगर इस तरह से परेशान किया गया, आपने देखो 70 के दशक में इंदिरा जी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया था, संजय गांधी जी को फंसाया गया था, क्या कांग्रेस डरी क्या? लाखों लोग जेल में गए। रवि जी, कल जो मार्च होगा मध्य प्रदेश से कांग्रेस के और कौन बड़े नाम हैं आपके अलावा जो वहां रहेंगे? ऐसा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को बुलाया है। एआईसीसी से सर जो है क्या जुलूस के सर्किल में जाया जाएगा? अब जैसा हो, अभी तो हम लोग को यही समाचार है कि 9:30 बजे एआईसीसी पहुंचना है। अब पैदल जाएंगे या कुछ लोग राहुल जी के साथ जाएंगे, ये वहाँ का जो प्रशासन है उनके साथ एआईसीसी चर्चा करेगी और निर्णय करेगी। जी अभी तो हम लोगों ने जो निर्णय लिया है पार्टी ने, वो केवल दिल्ली में इसका प्रदर्शन होगा। जी मुद्दे तो बहुत है, प्रदर्शन हो भी रहे। क्या महंगाई का मुद्दा कोई छोटा है? क्या बेरोजगारी का मुद्दा कोई छोटा है? तो इस तरह से हमारे आंदोलन प्रदर्शन तो चल रहे हैं, जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो बताया ना मैंने आपसे, इसमें नियम का कानून का उल्लंघन कहाँ है? उल्लंघन अगर हो तो बता दीजिए ना कहाँ है। अगर कहीं नियम कानून का उल्लंघन हो तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब इसकी बात अलग से करेंगे। केवल धन्यवाद, थैंक यू।